हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं कि अभी कंट्री में आप लोग एक आज ज़्यादा सुने होंगे कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल 2019 के बारे में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो हुआ है उस पर आज हम आपसे चर्चा करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं टॉपिक पे। आप टॉपिक में देख रहे हैं, सामने स्क्रीन पे खुला हुआ है बिल नंबर 370 ऑफ 2019, जिसमें है कैब के बारे में, द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019। एक्चुअली ये है क्या, सबसे पहली बात ये हम जानते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है ये है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। इसी में कुछ पॉइंट्स को अमेंडमेंट किया गया है जो कि गवर्नमेंट को लगी। इसमें अब आपको मैं बता दूं, ये 7 पेज का ये एक्ट, अभी जो अमेंडमेंट बिल है, ये बिल है जिसमें कि 3 पेज जो है शुरू का, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पेज जो है वो बिल है, वो एक्ट है, और उसके आगे गृह मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इस अमेंडमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है और क्या रीजन है उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया है, और नीचे इन्होंने अपना दिया है। उसके बाद इन्होंने मेमोरेंडम भी दिया है इसके रिगार्डिंग क्या है, ये मेन है, और ये लोकसभा में पास हुआ था ये बिल। साथ ही आज 11th को ये आपको राज्यसभा में भी पास हो गया, और ये पास होते ही अब अपने कंट्री में ये अप्लीकेबल हो गया। तो चलिए हम चलते हैं टॉपिक पे। सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अब यहाँ पे जो अमेंडमेंट हुआ है वो है सिटीजनशिप एक्ट 1955 का सेक्शन 2 जो है उसमें अमेंडमेंट किया गया है। उसमें जो अमेंडमेंट किया गया है वो किया है इन्होंने, प्रोवाइडेड दैट एनी पर्सन बिलोंगिंग टू हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटी फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान हु एंटर्ड इनटू इंडिया ऑन और बिफोर द 31st डे ऑफ दिसंबर 2014 एंड हु हैज बीन एग्जेम्प्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय और अंडर क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द पासपोर्ट एक्ट 1920 और फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द फॉरनर्स एक्ट 1946 और एनी रूल और ऑर्डर मेड देयर अंडर शैल नॉट बी ट्रीटेड एज इलीगल माइग्रेंट फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। सबसे पहली बात ये याद रखिएगा, ये जो एक तरह से देखा जाए एक कम्युनिटी और स्पेशल कंट्रीज को लेकर के बनाया गया, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि इंडिया के जो नेवर्स कंट्रीज हैं ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान आते हैं। यहाँ पे अगर इस कंट्री से, इस तीन कंट्री से, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से, इस तीन कंट्री से ये 6 कास्ट के लोग, 6 जाति के लोग, 6 कम्युनिटी के लोग आते हैं इंडिया में, तो ये 6 कम्युनिटी के लोग कौन कौन से होंगे, हिंदू होंगे, सिख होंगे, बुद्धिस्ट होंगे, जैन होंगे, पारसी होंगे या फिर क्रिश्चियन लोग हैं। अगर ये लोग अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से इंडिया में 31 दिसंबर 2014 से पहले आ चुके हैं या 31 दिसंबर 2014 को आ चुके हैं, और आगे इसमें एक्ट में अमेंड किया गया है, कुछ कंडीशंस है, कुछ पीरियड दिया हुआ है इन्होंने, उस पीरियड को फुलफिल करते हैं तो इन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा, इंडिया का सिटीजन माना जाएगा। अब इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये हाँ हिंदू से लेके पाकिस्तान तक का। उसके बाद आगे जो इन्होंने कहा अमेंडमेंट में, क्या ये जो इन्होंने बताया कि ये तीन कंट्री से जो लोग आएंगे, ये 6 कम्युनिटी के लोग, क्या ये पूरे इंडिया में अप्लीकेबल है? इन्होंने कहा जी नहीं। इन्होंने कहा नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू ट्राइबल एरिया ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा एज इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का जो 6th शेड्यूल है, एंड द एरिया कवर्ड अंडर द इनर लाइन नोटिफाइड अंडर द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873। यानी कि ये सेक्शन, यानी कि अगर ये लोग, ये 6 कास्ट के लोग अगर असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा में आते हैं, वहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं, अगर आते हैं और साथ ही इनर लाइन के अंदर आते हैं तो इनको
सिटीजनशिप नहीं माना जाएगा, सिटीजनशिप नहीं दिया जाएगा और सिटीजन नहीं माना जाएगा। यानी कि इस फोर स्टेट में ये एक्ट, ये बिल, ये अमेंडमेंट अप्लीकेबल नहीं होगा। अब यहाँ पे एक अनदर चीज और अमेंडमेंट हुआ है, अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 7D। सेक्शन 7 में जो इन्होंने बताया है, ये बताया है आपको ये आपको ओसीआई के बारे में, ओसीआई के बारे में जो इन्होंने बोला है उसमें इन्होंने बोला है ओसीआई के लिए कि अगर कोई ओसीआई कार्ड होल्डर बंदा है, वो अगर किसी चीज को वायलेट करता है, अगर इंडिया के रूल को, प्रोविजंस को, तो उनका ये कैंसिल किया जा सकता है उनका ओसीआई। अब ओसीआई में क्या था, एज वी डिस्कस अबाउट दिस, कि कोई भी फॉरनर पर्सन है वो रजिस्टर हो सकता है इंडिया में ओसीआई के अंदर 1955 एक्ट में, कि अगर वो, इफ दे आर ऑफ इंडियन ऑरिजिन, अगर वो इंडियन ऑरिजिन से हैं, या फिर इंडियन ऑरिजिन का मतलब इसमें क्या हो जाता है कि फॉर्मर इंडियन हो या उनका कोई स्पाउस जो है सो इंडियन हो, तो दे कैन गेट बेनिफिट्स एज द राइट टू ट्रेवल टू इंडिया और वर्क टू इंडिया और स्टडी इन द कंट्री। यानी कि इंडिया में वो पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए या ट्रेवल करने के लिए आ सकते हैं इस कार्ड को लेने के बाद। लेकिन अगर वो उसमें कोई वायलेट करते हैं, कोई वायोलेंस करते हैं, रूल को तोड़ते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए रूल को, तो उनका कैंसिल किया जा सकता है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट लाइन आया है जो सेक्शन 18 को अमेंडमेंट किया गया है। सेक्शन 18 में जो अमेंडमेंट हुआ है उसको अब हम देखते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है, जिसमें पीरियड के बारे में बताया गया है कि कितना दिन रहना पड़ेगा इंडिया में। प्रोवाइडेड दैट फॉर द पर्सन बिलोंगिंग टू हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटी इन अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, द एग्रीगेट पीरियड ऑफ रेसिडेंस और सर्विस ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। यहाँ एक बार मैं और लाइन रीड कर रहा हूँ कि बिलोंगिंग टू हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटी इन अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, द एग्रीगेट पीरियड ऑफ रेसिडेंस और सर्विस ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। अगर हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी या क्रिश्चियन कम्युनिटी का लोग अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से आया है और वो भारत सरकार के पास, यानी कि इंडिया में रह रहा है या सर्विस कर रहा है, नौकरी कर रहा है, कितना दिन के लिए माना जाएगा सिटीजनशिप देने के लिए वो लायबल हो जाएगा, वो बंदा ले सकता है, तो उसके लिए इन्होंने कहा है कम से कम 5 साल आपको रहना पड़ेगा। जो कि पहले 1955 एक्ट में जो लिखा हुआ है वो था आपको 11 इयर्स का। तो पहला चीज इन्होंने क्या किया, 11 इयर्स को घटा करके 5 साल कर दिया, यानी कि अब 5 साल अगर ये लोग रहते हैं तो इन्हें सिटीजनशिप दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारे इंडिया में अभी ये चर्चा का विषय ये बिल बना हुआ है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कि आप देखेंगे अगर जितने भी कम्युनिटीज हैं इसमें सबका नाम है, बट एक कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी का नाम नहीं लिया गया है इसमें। तो कुछ पॉलिटिशियंस लोग जो हैं वो इसके लिए अपना एक्शन ले रहे हैं या रिएक्शन दे रहे हैं इसमें। अब क्या है जो मेरा व्यूज है इसमें, आप अपना व्यू भी लगाइएगा अगर इसे रीड करिएगा तो। देखिए, ये जो कास्ट्स के लोग हैं, जो कम्युनिटी के लोग हैं, ये आ किस कंट्री से रहे, इन्होंने इंडिया का जो पड़ोसी देश है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, सिर्फ इस तीन देश का नाम लिखा है एक्ट में। इस तीन देश के लोगों के लिए सिर्फ अमेंडमेंट किया गया है। इस तीन देश के लोगों के लिए 11 साल से 5 साल का रेसिडेंस या सर्विस इंडिया में किया गया है। क्यों, इसका क्या रीजन हो सकता है? जहाँ तक मेरा व्यूज है, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, इसका कारण इसलिए है कि इसमें मुस्लिम वर्ड को इसलिए हटा गया है, मुस्लिम कम्युनिटीज को, उनको, क्योंकि जो ये तीन कंट्री हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये तीनों कंट्री मुस्लिम कंट्री माने जाते हैं। यानी कि यहाँ पे इन कंट्रीज में
मुस्लिम को छोड़ के जितने लोग हैं वो अल्पसंख्यक लोग हो जाते हैं। अल्पसंख्यक होने के कारण इनका मानना है कि वहाँ पे परेशानी होती है, जिसके लिए अगर वो लोग इंडिया आते हैं तो उनका मोस्ट वेलकम है। लेकिन इनका कहना है कि मुस्लिम कंट्री में मुस्लिम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी इन तीन कंट्री में, और इस तीन कंट्री में, क्योंकि ये बिल को अगर आप देखते हो तो इस बिल को बनाने में सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तो मजहब, धर्म, जाति के नाम पे ये, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये बिल है, ये एक्ट है। तो अगर मजहब के हिसाब से देखें तो मुस्लिम कंट्री में मुस्लिम को प्रॉब्लम नहीं होगा, इसे मानते हुए, इसे एज्यूम करते हुए इस बिल को पास किया गया, इस एक्ट को पास किया गया। अब सवाल क्या होता है कि यहाँ पे हो सकता है कि इन फ्यूचर इसे फिर से अमेंड किया जाए अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक जरूर करिए, और आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट है तो इसे शेयर भी जरूर करिए। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जो कि बिल्कुल फ्री है, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर किसी पर्सन को ये अमेंडमेंट एक्ट बिल चाहिए, कैब का प्रिंट चाहिए या PDF चाहिए, तो आप मुझे 8448610923 पे व्हाट्सएप कर देना अपना ईमेल आईडी, मैं आपको ये बिल का PDF कॉपी आपको ईमेल कर दूंगा। साथ ही अगर आप सेल्फ डाउनलोड करना चाहो तो caclubindia.com से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो, जहाँ पे ये मैं अपलोड कर दिया हूँ। तो दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।